फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितने मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट हमारे जानकार की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो अपडेट में शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले कैसा सीड से। तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा 6452 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6476 का हाई लगा चुका है। देख रहे हैं कि सुबह के मुकाबले कैसा सीड का जो वायदा बाजार है वो हल्का सा फिसलता नजर आया है। कल के कारोबारी सत्र में हमने कैसा सीड के वायदा बाजार में फरवरी वायदा की बात करूँ अगर तो 6500 के ऊपर के हाइज लगते हुए देखे थे, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार 6400 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। कैसे सीड की कीमतों में अभी देख रहे हैं कि 6400 के लेवल्स पर एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही है, एक सीमित दायरे में ही कैसे सीड की जो कीमतें हैं वो ट्रेड करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस बार कैसे सीड का जो प्रोडक्शन है वो लगभग पिछले 3 सालों में सबसे कम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कैसे सीड की कीमतों में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे जाके उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर कीमतें 6500 से 6600 के ऊपर निकल जाती हैं तो कैसे सीड की कीमतों में आगे जाके बढ़त बंदी नज़र आ सकती है और अच्छी तेज़ी यानी कि शानदार रैली भी निकल सकती है। लेकिन उसके लिए कैसे सीड को 6400 का जो लेवल है यहाँ से निकलना होगा और 6500-6600 के ऊपर सस्टेन होना होगा, तभी कैसे सीड की कीमतों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर एक्सपोर्ट डिमांड कैसे की निकल जाती है, चाइना की तरफ से कैसे सीड की अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड आती है, तो देखेंगे कि कैसे सीड की जो कीमतें हैं उनमें और अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल रुझान कैस्टर में यहाँ पर तेज़ी का ही रहने वाला है। हालांकि जब फरवरी में अभी जैसे फरवरी की स्टार्टिंग हो गई है तो जब आवकें आएंगी कैसे की मंडियों के अंदर तो देखेंगे कि जो बाज़ार है वो थोड़ा नीचे जाता हुआ भी नज़र आएगा। कैसे की जो कैसे की जो अराइवल्स हैं उनमें बढ़त देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो बाज़ार है उसमें एक हल्की सी मंदी भी देखने को मिलेगी। बाज़ार ज़रूर गिरता नज़र आएगा ज़्यादा आवक के होने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे जब आवकों का अराइवल पूरा हो जाएगा, आवकें पूरी आ जाएंगी, तो कैसे सीर का जो वायदा बाज़ार है और जो हाजिर बाज़ार है वो फिर से धीरे धीरे उठता हुआ भी नज़र आएगा। तो ओवरऑल रुझान कैसर में तेज़ी का ही रहेगा। बात करें यहाँ से अगर अब बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वायदा 3155 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 3210 का हाई लगा चुका है। देख रहे हैं कि बिनौला खल के फरवरी वायदा में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है बिनौला खल के फरवरी वायदा में, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि 3210 का हाई भी लगा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि जो बिनौला खल का वायदा बाज़ार है उसमें हल्की 3200 के ऊपर जाता हुआ 3200 की ओर जाता हुआ नज़र आया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि 3210 पर भी ट्रेड करता नज़र आ चुका है, 3210 का हाई लगा चुका है। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि 3155 पर ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बिनौला खल में देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। बिनौला खल में काफ़ी समय से देख रहे हैं, जब से 3400 का लेवल टच हुआ है उसके बाद से देख रहे हैं कि जो वायदा बाज़ार है बिनौला खल का धीरे धीरे एक रेंज बाउंड में नीचे जाता नज़र आया है, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल्स पर ही अभी भी बना हुआ है बिनौला खल का वायदा बाज़ार। जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आगे जाके बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमांड है वो उठती नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से बिनौला खल में आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें यहाँ से अगर अब मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा 9840 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 9978 का ही लगा चुका है, 0.25% की गिरावट है। जीरे में देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा 19120 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 0.25% की गिरावट है। और हल्दी में देख रहे हैं कि हल्दी का अप्रैल वायदा 9706 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है,
9896 का ही लगा चुका है 0.25% की गिरावट के साथ। मसालों में देख रहे हैं कि आज हफ्ते के तीसरे कारोबार दिन मसाला कॉम्प्लेक्स में एक गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे धनिया हो, जीरा हो, चाहे हल्दी हो, तीनों ही मसालों की कीमतों में एक नरमी के साथ ट्रेड होता नज़र आ रहा है। मसालों में देख रहे हैं कि धनिया 10,000 के नीचे लग चुका है, हल्दी भी 10,000 के नीचे है और जीरा भी धीरे धीरे अब 19,000 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। तो आज के कारोबारी सत्र में और आने वाले कारोबारी सत्रों में मसालों का बाज़ार कैसा रह सकता है, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे मसालों के ऊपर राय जानना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि मसालों में अब यहाँ से धीरे धीरे करेक्शन बनती नज़र आ रही है। चाहे हल्दी हो, धनिया हो, चाहे जीरा हो, तीनों ही मसालों में गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हमने जीरे को 19,950 पर भी जाते हुए देखा था, 20,000 के बेहद करीब था, लेकिन फिर से वहाँ से देख रहे हैं कि करेक्शन बनती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या तीनों ही मसालों में यहाँ से अभी एक हेल्दी करेक्शन बनने वाली है? जी देखिए, जहाँ तक धनिया का सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें करेक्शन जो है थोड़ी डीप होते हुए दिख सकती है, थोड़ी ज्यादा गहरा सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 9,650 तक जो करेक्शन है वो एक्सटेंड करेगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा तो पिछले इंटरेक्शन में या वीकली आउटलुक में मैंने यही बताया था कि 10,200-300 के ऊपर ज्यादा टिकना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है प्राइजेस के लिए, करेक्शन ड्यू है। तो फिलहाल उसी रुख के साथ बाजार चल रहा है। मेरा मानना है कि धनिया में यहाँ 150-200 रुपए की गिरावट होगी। जहां तक जीरे का सवाल है, कहीं ना कहीं एक पोजिशनल बायस 20,200 का था, काफी करीब गया लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है टारगेट। तो मुझे लगता है कि 18,900 से 18,800 तक करेक्शन हो सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा तेजी का रुझान देखने मिलेगा और हम 20,200 के नए रीसेंट हाइज देख पाएंगे। तो मैं फिलहाल जीरे में बहुत मंदी करना पसंद नहीं करूंगा। लास्टली हल्दी में भी ऐसा लगता है कि 9,400 से 9,450 तक की गिरावट होगी, हालांकि उसके बाद हम रिकवरी देख पाएंगे। तो धनिया और हल्दी दोनों में एक जो गिरावट है थोड़ी और गहरा सकती है आने वाले हफ्ते में, लेकिन जीरे में मुझे यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड दिखता है। जी, तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि धनिया और हल्दी में हो सकता है कि जो गिरावट है थोड़ी सी और ज़्यादा गहरा जाए, लेकिन जीरे में ज़्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी। जीरे में हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन के बाद यहाँ से कीमतों का सपोर्ट मिले, 18,800-18,900 तक कीमतें जाएँ और फिर वहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट मिलता नज़र आए, जो कि जीरे की कीमतों को ऊपर में 20,200 तक लेके जा सकता है। ये से अमित जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि 3400 का लेवल टच करने के बाद से बिनौला खल में रेंज बाउंड ही देखने को मिली है और अब धीरे धीरे 3100 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आने लगा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल की आगे कुछ डिमांड इंप्रूव हो सकती है जो कि कीमतों को सपोर्ट दे? मेरा मानना तो यही है कि डिमांड इन सरों से इम्प्रूव होगी। कुछ समय से हम देख रहे हैं, जब से 3450 के करीब से करेक्शन आई है, कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन 3100 के करीब प्राइसेस सपोर्ट जरूर ले रही हैं और बीच में हमने 3300 तक की भी एक पुल बैक देखी थी। तो अभी भी जो मेरा पोजिशनल व्यू है वो इंटैक्ट है 3550 का। तो इसके चलते मेरा मानना है कि इस रीजन में 3100 के करीब यानी जो है बाइंग दोबारा एमर्ज हो सकती है, तो मैं अभी भी बाइंग करना प्रेफर करूंगा। और शॉर्ट टर्म बेसिस 3300 और पोजिशनल बेसिस में 3550, ये दो स्तर अभी भी पेंडिंग है ऐसा मुझे लगता है। जी, ये समय जी बात करें अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड में हमने 6500 के ऊपर के हाइज भी लगते हुए देखे हैं, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली। देखते हैं जब जब कैसे सीड का वायदा बाजार ने 6500 के ऊपर का हाई लगाया है, तब से वहाँ से करेक्शन बनती है और फिर 6400 के ऊपर ही ट्रेडिंग देखने को मिलती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, 6500-6600 का लेवल कैसे में कब तक देखने को मिल सकता है? जी आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल सही है कि 6500 के ऊपर फिलहाल हम सस्टेन होता हुआ या डेली क्लोज आता हुआ भी मुश्किल से देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, और यही एक कंडीशन है। अगर प्राइजेस को और आगे बढ़ना है तो 6500 के ऊपर डेली क्लोज आना बहुत जरूरी है, जो फिलहाल नहीं देखने मिल रहा। लेकिन एट द सेम टाइम पिछले 4 या 5 सेशन में हम देख रहे हैं कि 6400 से भी ज्यादा नीचे फिलहाल मार्केट नहीं जा रहा है। तो मैं
ओवरऑल अगर ट्रेंड के साथ ही चलो तो ये उम्मीद बनी हुई है कि 6500 के ऊपर जल्दी हम प्राइसेस को जाता हुआ देखेंगे, और इमीडिएट तौर पर जब तक 6300 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं तब तक बायस जो है अपसाइड रहेगा। और जिस दिन डेली क्लोजिंग आने में कामयाब हो गई प्राइसेस की तो 6650 का पहला लक्ष्य होगा, ओवरऑल हम लगभग 6800 तक के स्तर जो है वो देख पाएंगे। तो मैं फिलहाल समझता हूँ कि मोमेंटम नहीं आ रहा, लेकिन इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ सेशंस में हम तेजी आते हुए देख पाएंगे कैसे सीख जी। ये समय जी बात करें अगर गौर कॉम्प्लेक्स की, तो जैसे कि आपने बताया था कि गौर गम और गवा सीड में यहाँ से कुछ करेक्शन बनती नजर आ सकती है, ठीक वैसा ही हम होते हुए देख रहे हैं। गौर गम 11600 पर और गवा सीड 6200 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है ये जो करेक्शन है कहाँ तक गहराएगी? गौर गम में मेरा मानना है कि 11350 तक ये करेक्शन गहरा सकती है। उसी प्रकार अगर हम गौर सीड में देखें तो लगभग 6140 तक के स्तर देखने मिलेंगे। तो हो सकता है कि हम कुछ सेशन और ये जो नरमी है प्राइसेस में ये देख पाएंगे, जिसके बाद दोबारा निचले स्तरों से बाइंग एमर्ज होते हुए दिख सकती है जी। ये समय जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में आपको क्या लगता है कि MCX कॉटन में अब कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि जब बजट पेश हुआ था तो बजट में कपड़ों को सस्ते करने के ऊपर भी बात कही गई थी कि कपड़े सस्ते हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी में गिरावट आ सकती है, कटौती की जा सकती है, तो क्या इसका असर कॉटन की कीमतों पर देखने को मिल सकता है? जी पॉसिबल है, आज के सेशन में हमने नरमी आते हुए देखी है प्राइसेस में, और खास करके जो 37500 के करीब के स्तर थे उसके आसपास ही हम देख रहे हैं प्राइसेस अभी भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं। हालांकि 37800 तक भी गई थी लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन देखने मिल रही है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर बाइंग भी संभल कर करनी चाहिए क्योंकि करेक्शन आ सकती है। हालांकि उसका जो मुझे कंफर्मेशन मिलेगा वो 37200 के नीचे होगा नियर मंथ के हिसाब से। अगर 37200 के नीचे प्राइसेस फिसल जाती हैं तो ये करेक्शन गहराएगी और लगभग 36700 से 36600 तक के स्तर भी देखने मिलेंगे। तो क्योंकि हम पोजिशनल बेसिस पे भी कुछ हद तक कुछ जो महत्वपूर्ण टारगेट्स है वो डन कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि थोड़ा कॉशन होना चाहिए। और साथ ही अगर 37200 के नीचे दाम फिसलते हैं तो अगर बाइंग पोजिशन है तो उसमें से एक बार निकला जा सकता है जी। ये सभी जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि US सोयाबीन आज $1530 के ऊपर निकल चुका है, बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वायदा में भी NCDX पर सोयाबीन का वायदा बाजार 6400 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अमित जी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो सोयाबीन में लगातार तेजी बनती नजर आ रही है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर देख रहे हैं सोयाबीन में कुछ ज़्यादा खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है, आपको क्या लगता है? जैसे कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना में उत्पादन अनुमान में कटौती की गई है, और यहाँ पे भी जो मंडियाँ हैं वहाँ पर राइवल्स कम देखने को मिल रही है, तो सोयाबीन में एक अच्छी तेजी कब तक देखने को मिल सकती है और कितनी? जी देखिए मेरे ख्याल से इवेंचुअली ये जो मूव है ये देखने मिलेगा। फिलहाल हो सकता है कि और एक हफ्ते से 10 दिन तक हम साइडवेज का कारोबार देखेंगे, लेकिन मेरा जो ओवरऑल रुख है वो तेजी की तरफ ही है। जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है 6900 का एक इमीडिएट टारगेट काफी समय से पेंडिंग है जो मुझे लगता है काफी जल्द अचीव हो जाएगा। और ओवरऑल जो अगर मैं थोड़ा लंबा नजरिया पकड़ूं तो ऐसा लगता है कि 7400 तक के भी दाम हमें देखने मिलेंगे आने वाले एक महीने के अंदर। तो काफी जल्द मुझे लगता है कि इसमें जो बाजार है वो तेजी पकड़ पाएगा, और इस तरह से भी अगर बाइंग की जाए तो अच्छा मुनाफा होने की आशंका बनी हुई है जी। अमित जी बात करें यहाँ से अगर मैंथा ऑयल की, तो बजट में हमने मैंथा पर भी फैसला होते हुए देखा था कि मैंथा की भी जो कस्टम ड्यूटी है उसमें कटौती की गई है, जिसकी वजह से मैंथा पर भी अब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, आपको क्या लगता है मैंथा में कस्टम ड्यूटी में कमी आने का असर मैंथा में तेजी की ओर देखने को मिलेगा या गिरावट की तरफ? जी हम देखिए गिरावट का रुख ऑलरेडी देख चुके हैं और कहीं हद तक काफी हद तक डिस्काउंट भी हो रहा था बजट के पहले ये जो कटौती आ सकती है, तो इस तरह से फिलहाल मैं मंदी करना पसंद नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि बाजार थोड़ा संभलेगा यहाँ पर, हालांकि हो सकता है कि 950 के तरफ हम बाजार को आता हुआ देखें, लेकिन उसके बाद मेरा मानना है कि हम
अगर 2 हफ्तों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 1000 के ऊपर के स्तर हमें देखने मिलेंगे, 1020 से 1030 के बीच। तो ओवरऑल जो रुख है वो यहाँ से ज्यादा गिरावट का नहीं है, 15 से 20 रुपए की और गिरावट आने के बाद एक बार बाजार फिर से तेजी का रुख पकड़ सकता है। जी अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? जी मेरा मानना है कि सोयाबीन में बाइंग की जा सकती है। वहीं अगर फ्यूचर्स की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक में अभी भी तेजी के आसार बने हुए हैं, और साथ ही जीरे में भी पोजिशनल बेसिस पे जो ये बिकवाली है इसका फायदा लिया जा सकता है, 20,000 के ऊपर के टारगेट को लेके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल में आने वाले दिनों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।